बस अभी उठाऊँ मैं, फ्रेश वगैरह होके लेट गया दोबारा, नहाता हूँ फिर निकलते हैं बाहर। आज एक दो इम्पोर्टेंट काम है वो करने हैं, उसके बाद रात का कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। नहा लिया हूँ मैं, बस बाल सेट करने हैं, उसके बाद भगवद गीता पढ़नी है, फिर खाना खा के निकलते हैं। भगवद गीता मैंने रीड कर ली है। तो यार कईयों को ना पता नहीं होता श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में क्या फर्क होता है, क्योंकि सबको लगता है भगवद गीता और भागवत एक ही है। भागवत है, भागवत का मतलब है जो भगवान ने क्या किया उसके ऊपर आधारित है, और भगवत गीता है भगवान ने क्या बोला, मतलब क्या कहा। जो भगवत गीता है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, अर्जुन को बताई, और भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को बताई थी। बस ये डिफरेंस है इनमें। हमारी अभी भगवत गीता का एक अध्याय कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा अगर कहीं को नहीं पता होता भगवत गीता और भागवत, तो मैं बता दूं। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं एक जगह, और आज गलती से मैं शर्ट नहीं पहन के आया। मैंने कहा कि यार गाड़ी से उतर के कहीं ऐसी जगह भी जाना है जहाँ पे धूप नहीं होगी। बस आज पहली बार ऐसी गलती हुई है, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं होगी ऐसी गलती। अभी हम जा रहे हैं एक जगह के बाद हमने जाना है दूसरी जगह। जगह का नाम नहीं पता, जगह है। हाँ बस जगह है, जगह का नाम नहीं पता, बस जगह है यार। धूप। चलो हमारा ये काम हो गया, हम निकलते हैं अभी यहाँ से। हार को भूल जाओगे ये गाड़ी देख के। हम अंदर गए और एक ना बंदा बैठा था यहाँ पे। हमने कहा अच्छा कि ये जगह कहाँ पे है, कह रहा आस्क 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 आस्क। तो भाई आस्क आस्क, हमने मेरे को लगा मैं यार पता नहीं, बड़ा ही अकड़ू सा बंदा है। लेकिन यार बाद में पता लगा जब हम वहाँ पे पहुंच गए ना, वो खुद भी बोंदला फिर रहा था। फिर बाद में पता लगा कि यार हमारी जजमेंट गलत होगी, अकड़ू नहीं है ये, इसको भी नहीं पता, नॉलेज नहीं है यहाँ की, तो इसलिए उसने आस्क आस्क बोल दिया। हो सकता है उसको इंग्लिश भी ना आती हो। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, कई बार हमारी ना जजमेंट बड़ी गलत हो जाती है, जैसे हमारी हो गई थी अभी। हमने यहाँ पे पार्क तो कर दिया था 15 मिनट के लिए, फ्री लिखा था उन्होंने, तो 15 मिनट से ज्यादा हो गया, 16 मिनट हो गए। अब पैसे कहाँ भरने, 10 दिरहम भरने थे भाई। मैं दूसरे ऑफिस में आ गया यहाँ पे, वो कह रहे कि भाई यहाँ से लेफ्ट जाओ, यहाँ से। और भाई ऊपर से लेफ्ट जाना था, वहाँ लिखा होगा यार यहाँ तो पंगे बहुत है यार, बताओ। सो मच पंगाज। ओ भाई ये लिखा रखा है पे जोन, शुक्र है यार ये डिब्बी सी, बताओ ये रहा, ये रहा पे जोन। यहाँ पे करना है पहले इंसर्ट योर टिकट, ऐसे उठा देता हूँ ना। ओ गई, चेंज इज पॉसिबल। अब देने कहाँ से पैसे, यहाँ से। ओ लेगी 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 भाई, तुक्के ही मार रहा हूँ मैं तुक्के, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ का। देख योर कार्ड, अब हो गए पा वेले, पता कुछ नहीं था, तुक्के मार मार के कर लिया मैंने काम। अगर किसी नई कंट्री में आते हैं ना तो भाई रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होती, तो ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, उन्हीं के रूल से चलना चाहिए। कोई माली मुली पानी नहीं देता, ऑटोमेटिक है पानी। हाँ भाई साहब यहीं बैठे हो, इन दोनों की लड़ाई हो गई है, ये बैठी है। यहाँ पे ना आपको बहुत देखने को मिलेंगी बिल्लियाँ। भाई फिर आ गया दो ही फ्रेम। ये देखो भाई, ये जो आपको दिख रहा है नंबर, ये जितना छोटा नंबर ना उतने ही किसी बड़े शेख की गाड़ी है ये, और लगाई भी चौड़े में हुई है बंदे ने टेढ़ी करके। और ये देखो ये कितने बड़े नंबर है, 5 नंबर है और वो 3 डिजिट के नंबर है भाई। ये टेस्ला दिख रही है, ये किसी गरीब बंदे की है, ये नंबर बड़े है ना। ये छुपे पहुंच गए मॉल के अंदर, और पहुंच गए स्प्लैश पे। यहाँ पे जबरदस्त ऐसे ऐसे कपड़े होते हैं ना, बस पूछो मत। यहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं। मॉल तो ये भी काफी बड़ा है, लेकिन दुबई मॉल से बड़ा नहीं है भाई। प्रोटीन की शॉप से पूछने गया था प्रोटीन। दिस वन इज 329। 329 यस सर। ओके दिस ऑल द 329। अब देख लो यार दिरहम कितने का चल रहा है, तो 7500-8000 के लगभग लगभग हो गया। और भाई यहाँ पे जो प्रोटीन है ना, सारे के सारे A1 क्लास हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं होता। क्योंकि अगर कोई भी डुप्लीकेट यहाँ पे सेल करेगा ना, पता ही है क्या होगा यहाँ पे दुबई में। यहाँ पे ना सारा का सारा ग्रोसरी मिलता है, घर का जितना जितना सामान लेना है, कुकर काकर दालें दूले कुछ भी लेना, कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे बस आ गया आपको दिखाने के लिए। सेम सेम शक्ल, बहुत कुछ है इस स्टोर में। स्टोर थोड़ी है, मतलब जिस चीज का नाम लो वही चीज है यहाँ पे। हम अभी यहाँ पे रुकते हैं कुछ खाने के लिए। पूछा अभी भाई विदाउट अनियन गार्लिक क्या क्या मिल जाएगा, कह रहे विद एग और विदाउट एग। हमने कहा भाई जब चाहिए विदाउट अनियन गार्लिक तो एग क्यों चाहिए भाई, तो विदाउट एग ही चाहिए ना। तो मेरे को लग रहा है सिर्फ और सिर्फ कॉफी हो पाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे, या पिज्जा हो पाएगा और कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी सब एग है। ये लोग ना एग को नॉनवेज नहीं मानते। विदाउट अनियन गार्लिक एक पतला सा पिज्जा,
और कॉफी, बस यही आया भाई। की दुबई वो वाला, वहाँ पे हमने लास्ट ईयर बहुत कुछ किया था, बहुत एक्टिविटी की थी वहाँ पे, सारा कुछ बर्फ का बना हुआ है अंदर वहाँ पे। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने उतनी एक बंदे से क्या ना वो काला जट है ना, उससे भी डांस किया था, तो डाल दूंगा वीडियो अगर मेरे पास होगी, नहीं होगी तो भाई बहुत इंजॉय किया यहाँ पे भाई। एग को तो समझते ही नहीं है, एग को तो नॉन वेज समझती नहीं है। शूज मेरी कमजोरी, मैं तो जहाँ देखता हूँ ना आ जाता हूँ। ये रहा फुट लॉकर यार, इधर इतनी चीजें हैं ना, इतनी ज्यादा चीजें हैं ना। अभी मैं फुट लॉकर पे गया था भाई, शूज मुझे कोई पसंद नहीं आया, बस शूज, घड़ियां, जो घड़ियों के शौकीन है शूज के, आजो भाई आजो, खुले पड़े हैं कपड़े लो, ये मैं तो बस घूम रहा हूँ। यहाँ से हम जाके स्की दुबई करने गए थे लास्ट ईयर, मेरे को याद है हल्का हल्का। यूट्यूब नहीं बनाता था मैं, मैंने शायद इंस्टाग्राम पे डाला था, देखता हूँ अगर वीडियो निकलेगी तो। भाई ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये सारा का सारा 3D प्रिंटिंग में है। ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, यहाँ पे मैंने फोटो पिक्चर क्लिक की थी अपनी। प्यारे से सजा रखा है हर मॉल भाई साहब, पंप पंप सब पड़े हैं तो सब ए टू जेड। मुझे नहीं लगता अब हम कहीं और जा पाएंगे क्योंकि यहीं पे ही 8 बज चुके हैं। मजेदार कार है, डबल आर। ये ना मेरे पैर में ना ये वाला नाखून ना यार, मैंने काटे भी थे लेकिन फिर भी निकल गया और यहाँ पे लग रहा है। पहुंच गया है मोटू, एकदम से दर्द होना शुरू हो गया। ये नेल काट लूं यार, बहुत दिक्कत दे रहा है। इसने दुखी क्यों होता, मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, अब डेली की डेली वीडियो आएंगे आपके पास, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बस अब एडिटिंग के लिए बैठ रहा हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।